Assalamu alaikum, this is Urifshan Saleem. You're watching Something Hot. Don't forget to subscribe and like to their channel. Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. एक महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है कि जब मैंने अपना आखिरी इंटरव्यू किया था. इसकी शायद वजह यह है कि काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि ये जो शख्सियत यहाँ पे बैठी हैं इनको पकड़ें और इनका इंटरव्यू करें. आप लोग इनकी परफॉर्मेंसेस से तो इम्प्रेस्ड हैं ही, बट ऐसा मालूम पड़ता है कि इनकी खूबसूरती से भी आप लोग काफ़ी मुतासर हैं. तो मुझे लगा कि इनको बुला के इनके टैलेंट और इनकी खूबसूरती दोनों के बारे में बात करनी चाहिए. आई हैव विद मी नन अदर देन दुर्रेफिशान सलीम. अस्सलाम वालेकुम दुर्रेफिशान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट से एग्री करती हैं कि लोग आपके टैलेंट और आपकी खूबसूरती दोनों से मुतासर हैं? आदि भाई, नार्सिसिस्टिक इफ आई बिलीव दैट, बट चलें. आर यू अ नार्सिसिस्ट और नॉट? आई माइट बी इफ आई अडहेयर टू दैट. डू यू अडहेयर टू दिस? आई डोंट, बट आई थिंक आई शुड नाउ समटाइम्स. यू नो व्हाई आई ब्रॉट दिस अप? बिकॉज़ मैं आपकी आखिरी जो एपिसोड आई परदेश की, उसका फीडबैक देख रहा था. सो आई वेंट इनटू द कमेंट सेक्शन. नॉट दैट आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मैंने खुद नहीं बनाया. तो मैंने देखा कि नीचे लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, और लोगों ने ये बोला कि शी इज सो प्रिटी एंड ऑल्सो शी इज वेरी टैलेंटेड. तो बहुत कम होता है एक्ट्रेस के लिए कि उनको ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स एक साथ मिलें. नहीं, दैट्स आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन जिसको यही था दैट आई डोंट वांट लुक्स टू ओवरशैडो व्हाट आई लाइक ब्रिंगिंग ऑन स्क्रीन. क्योंकि मुझे बहुत पहले एक एक्टर ने कहा था, इमरान भाई ने, इमरान अशरफ ने, लाइक it will be very difficult for you to prove yourself as an actor because of how you look. And I was like, nahi yaar, that's not how I want. Isliye mera hamesha drama mein focus hota hai ki main na achhi lagun aur main bas kirdar ko pull kar sakun. So I think, but chale. Aapke kirdaron ke upar kaisa feedback aa raha hai aapko, apni performances ke upar? Acha, to main koshish karti thi ki jab bhi mujhe script aaye to main bada different character karun apne प्रीवियस जो भी मैंने एक किरदार कोई किया हो. लेकिन ऐसा होता है कि कुछ सिमिलैरिटीज आ जाती हैं हर करेक्टर में, तो मुझे हमेशा होता था मैं कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करूं. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे मेरा मेथड नहीं पता चला. तो आई थिंक जब मैं सेट पे जाती हूं और वो पूरा एक ऑरा बनता है तो वो कुछ निकल के आता है जो ऑडियंस को इतना अच्छा लगता है. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्रोडक्शन टीम एंड ऑल्सो द डायरेक्टर टू ऑलवेज हेल्प मी पुल दैट. बट द reviews and everything have been overwhelming. मतलब जब आप कर रहे होते हैं तब आपको होता है अच्छा चलो मैंने कर ली है, बट जब रिव्यूज आते हैं और जब यू नो फीडबैक आता है तो क्रिटिसिज्म भी मिला आपको? मैं ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला. आई थिंक वो थोड़ा बहुत तो होता है. जैसे अगर आप, जैसे शुरू शुरू में बहुत कमेंट्स पड़ती थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं मिलता था. और एक अगर मिल जाता था तो मैं बड़ी सैड हो जाती थी 3-4 दिनों के लिए. और फिर मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे कोई 8 साल छोटी है, उसने मुझे कहा बीजन, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू कीप रीडिंग कमेंट्स एंड एवरीथिंग देन ईदर वे यू गोना बी वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू जस्ट बींग प्रेस्ड, और ईदर आप वो एक कमेंट देख के इतनी डिसहार्ट हो जाएंगी दैट यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन वट यू हैव. तो आई थिंक आई कभी कभी छोटों से यू टेक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई हैव टेकन दैट अवे फ्रॉम हर एंड I don't now read comments or listen to a lot of praise. यह पे इंटरेस्टिंग बात की है, बिकॉज आई थिंक ये एक सिमिलैरिटी शायद मेरे और आप में, 100 अच्छे कमेंट्स जो हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं जब एक ऐसा कोई नास्टी कमेंट हो, वो ज्यादा दिल पे लग जाता है. एंड यू लाइक, इसने ये क्यों बोला जब 9900 पीपल आर सेइंग द अदर थिंग. सो यू जस्ट फोकस ऑन द नेगेटिविटी. सो आई थिंक हमें ये नहीं करना चाहिए, बट वो हम इतने ट्रेंड हैं, मे बी मैं ऐसे फंक्शन करती हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट ज्यादा अफेक्ट करते हैं. आई थिंक हमें उन 100 लोगों के लिए काम करना चाहिए. हाँ, उन एक जो एक ना खुश है वो ना खुश है, कोई ना कोई होगा. देयर विल बी समबडी हु इज वेरी डिप्रेस्ड विद देयर लाइफ एंड देयर गोना से समथिंग हार्श अबाउट यू. ट्रू. अच्छा, मुझे बट ये बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में ये है कि आपने लॉ पढ़ा हुआ है और आपने इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं लीगल ऑफिसेज में, लीगल फर्म्स में आपने प्रॉपर काम किया है, और फिर आपने जम मार दिया एक्टिंग में. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझाएं हमें. तो बेसिकली मैंने जंप लॉ में मारा था, एक्टिंग से लॉ में मारा. एक्टिंग मैंने, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लाइक देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. या कोई
प्लान बी कुछ नहीं था मेरे लिए, एक्टिंग वॉज द ओनली प्लान ए. लेकिन मेरे अम्मा अब्बा जो के कहते हैं कि डिग्री के बगैर आप कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी का, तो आप डिग्री करें, उसके बाद आपने जो करना है ज़िंदगी में आप करें. यू वॉन्ट टू बी अ पेंटर, यू वॉन्ट टू बी एनी थिंग यू वॉन्ट, बट यू नीड टू हैव अ डिग्री. तो जब मैंने ए लेवल्स में लॉ रखा तो मुझे लॉ बहुत पसंद आ गया, और मेरी खाला भी एक लॉयर है, तो मैं हमेशा से उनको देखती थी और मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी उनसे. तो फिर मैंने कहा चलो लॉ ही कर लेते हैं. वो लहदा बात है, जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे इतना मज़ा आना शुरू हुआ और मेरे ग्रेड इतने अच्छे आ गए कि मेरे अम्मा अब्बा को तो लगा कि बस अब इसने कहाँ और कुछ करना है, मतलब इतने अच्छी, लाइक आई गॉट अ 2-1 इन माई लॉ डिग्री. एंड देन आई वॉज वर्किंग विद आसमा जहांगीर एट दैट टाइम एंड ऑल्सो अदर गुड फॉर्म्स, तो उनको लगा अब ये नहीं करेगी ये. बट देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई फ्लू बैक व्हेन आई केम टू लाहौर, उसी दिन आई टोल्ड अम्मा अब्बा भाई मुझे एक्टर बनना है. और फिर वो 2 महीने कोई टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कि क्यों क्या की है, और फिर आई केप्ट टेलिंग देम नहीं दिस इज़ माई कॉलिंग, आई एम नॉट हैप्पी डूइंग बट आई एम डूइंग, यू गाइज आर सीइंग रिजल्ट्स, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर दे वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे लाइक अच्छा चलो जाओ. वो भी फिर एक साल दे वो वेरी रिजर्व बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं कराची आपको रहना पड़ता है ज़्यादा काम के लिए. फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज छोड़े मेरे आस पास रहने के लिए. तो आई थिंक दैट्स हाउ. Your father himself was a director at PTV, yeah, right? Baba had a production house. Achha. Named at Digital Media. Digital Media. Yeah, mostly they made like sitcoms, like very known sitcoms and all for PTV. Bataya na koi naam. I think there was one Double Savari and something achha, like achha, this. Achha, achha, yeah, achha. Yeah, yeah. So Baba was from media for a very long time, as long as I know. He left media about like 10-12 years ago. And ye kyun uncle ne ekdam decision liya? Acha, because us time pe bada ek shift aaya tha Lahore se Karachi. Ji 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 ji. So Baba was like, I'm not leaving Lahore. He's like, I'd rather do something else. So I, wo hume ye dete hain, lekin hume ye lagta hai ki they didn't want their kids to be part of the industry. Which is happening anyway now. But just me, I think none of my siblings are interested to be in this industry. So bas ye hua tha. Aur जब बचपन में भी बाबा ये कोई एड्स आते थे या कुछ आते थे तो मेरी बहन या भाई उसमें चले जाते थे, बट मैंने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, मैंने वोकलाइज नहीं किया कभी इंटरेस्ट. अच्छा, तो ये इनर सेल्फ को पता था? ये इनर सेल्फ था, ये एक कमरे में होता था ये, जब बिकॉज आई वॉज वेरी बॉलीवुड बचपन से, तो ये जब मैं मूवीज देखने जाती थी, तो आज तक मैंने सिनेमा में कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसमें मैंने लड़की के बच अपने आप को इमेजिन नहीं किया. सो मैंने कभी लड़की पे फोकस ही नहीं किया, मुझे हमेशा लगता था वो मैं हूँ. सो आई थिंक वहाँ से वो इतना डराइव हो गया कि फिर एकदम से जब मैंने वोकलाइज किया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कि अभी CSS, दे वांटेड मी टू डू CSS, और लाइक नहीं यू विल डू इट और अमेजिंग. एंड माई खाला भी फिर आई, नहीं CSS ये वो. एंड देन जब मैंने नहीं किया तो खैर नाउ दे वेरी हैप्पी with all the feedback that I'm getting. Growing up, who was your inspiration? Agar Bollywood aapko pasand tha? Oh, so many. Everybody, like from Sridevi to Madhuri, everybody, Kareena, everybody. Like there was not even one. Ab jaake mujhe zyada mera rujhan actors ki taraf hua Bollywood mein rather than just somebody who's presentable. But tab but ye bhi bade fantastic actors hain, Sridevi, Madhuri. Great, great. But now I like seeing Nawazuddin Siddiqui more. I like seeing new girls, like yesterday I saw Thappar for the first time, and like I like seeing cinema now. Basic cinema. Pehle to mujhe yehi hota tha na, singing and dancing, this is what I want to do. Bachpan se mujhe ye tha, bas yehi hota hai, singing and dancing, so this is what I wanted to do. But now I think I like seeing acting more in a Bollywood movie. मैंने जो थोड़ी बहुत आपके ऊपर रिसर्च की, उससे मुझे ये पता चला कि आपके लिए टू ब्रेक आउट इनटू द इंडस्ट्री वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना हम स्टोरी सुनते हैं कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी. हाँ, इसकी क्या वजह थी? बिकॉज़ आई विल बी लाइंग इफ आई से सो. सो इनिशियली व्हेन आई फ्लू टू कराची टू गिव ऑडिशंस, बिकॉज़ माय फादर वाज वेरी परसिस्टेंट ओवर द फैक्ट दैट ऑडिशंस देकर जाना है जहां भी जाना है. तो माय बाबा इज़ वेरी डियर फ्रेंड काशिफ, अंकल काशिफ महमूद. अपने बाबा का नाम बताते हैं आज आप.
आप क्यों नहीं बताती? He is gonna kill me. क्यों? वो मेरी अम्मा अब्बा नहीं चाहते कि मैं उनके नाम नहीं वो अब पता करा लेंगे फिर अपने नहीं नहीं बस ठीक है नहीं बाबा का नाम नहीं बताएंगे आप नो मेरा नाम क्या है पूरा सलीम दुरे फिशा सलीम तो बाबा क्या होगा सलीम सलीम समथिंग कुछ भी हो सकता सलीम समथिंग चलें ढूंढते हैं तो काशिम महमूद एज वी ऑल नो अमेजिंग एक्टर तो काशिम अंकल वेंट लाइक के मैं आई विल मेक हर यू नो ब्रेक इट आई विल सेंड हर टू ऑल द ऑडिशन सो ही सेंट मी टू गिव ऑडिशंस टू ऑल द मेजर प्रोडक्शन हाउसेस सो आई फ्लू टू कराची स्पेशली फॉर अ वीक गेव ऑल माई ऑडिशंस एंड केम बैक टू लाहौर एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स एंड एवरीथिंग तो इनिशियली एज वी ऑल नो दिलरुबा वॉज माई डेब्यू बट उससे पहले आई वॉज सपोज टू डू समथिंग एल्स I'm not gonna name now. And why are you not taking names? Yeah, because I feel like it will just take away from the person who did it. Okay. Off camera, you'll tell me. Yeah. Okay. Promise. As soon as this. Okay. So I was supposed to do a big role in. For Humpty only? No, it was for another channel. For Airway? Yeah. Okay. So I was supposed to do that, and all of a sudden I got a call. Oh, is this the one you already told me? Abhi? No. Okay, so that was something else. Yeah. And I was like, okay, and I got very excited and everything. And a week after I got to know, they called me. They were like, no, they want somebody else. They want somebody known for it. And like, since it's your debut and everything. And I was disheartened and all. And then Dilruba came all of a sudden. And obviously, when you hear a story, it's very different to what it's shot. So Dilruba came. And I instantly said yes because मुझे था अगर मैं और delay करूँ ना तो क्या पता मेरे अम्मा पापा मुझे CSS की किताबें ला दें और क्या चलो ये करो so I said yes to Dilruba to Mahesh bhai and I just flew to Karachi and the rest we all see what happened इतना simple था सब this is how it happened for me I तो आप जब audition के लिए आई थी एक हफ्ते उसके कितने अरसे के बाद आपको पहला अपना ये Dilruba आपने sign कर लिया था Dilruba I signed after a month within a month you'd become an actor माशाल्लाह बट आई थिंक नाउ इजंट इट लाइक दिस लाइक दिलरुबा में मेरा जो किरदार था वो लेना कोई मुश्किल काम नहीं है वो आप एक ऑडिशन अगर देकर जाएं तो वो किरदार आपको मिल जाते हैं हाँ मुझे एवेन्यूज बहुत जल्दी मिल गए थे बिकॉज एवरी प्रोडक्शन हाउस दैट आई वेंट टू आई ऑडिशन फॉर देम एवरी प्रोडक्शन हाउस बीट हम टी वी बीट ए आर वाई बीट एनी प्रोडक्शन हाउस मैंने ऑडिशन उनके पास आज तक मेरा है तो और बेसिकली लक का भी बहुत आई थिंक पार्ट होता है कि दे वर नॉट फाइंडिंग समबडी टू प्ले सनम सिस्टर एट दैट टाइम हानिया सिस्टर एंड दे थॉट आई एम अ बेटर फिट फॉर दैट एंड आई सेड यस टू इट दो आफ्टर व्हेन आई मेट एवरीबडी एंड दे लाइक इट्स लाइक वी वर लुकिंग फॉर समबडी एल्स एंड ऑल दैट बिकॉज एंड देन दे ट्राइड टू मेक मी फिट दैट रोल बाय पुटिंग लाइक अ डार्कर फाउंडेशन एंड एवरीथिंग बिकॉज दिलरुबा पे जो मेरा किरदार था दैट वॉज सपोज टू बी अ गर्ल हु इज complexed about her looks because you know her sister not complex but she's very average looking and everything so who cast you for that I mean so it's okay I had foundation on it I'm sorry but like if they're casting you फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोस्थेटिक्स के साथ आपको बट वी डिड माय अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट एज़ फार एज़ आई रिमेम्बर माय रिव्यू ऑफ दिलरुबा आई सेड ओके दिस इज समबडी हु इज रियली गुड लुकिंग सो बट या दैट्स हाउ यू गाइस फेल्ड विद द वी फेल्ड इट मे बी नो बट आई थिंक आई ऑलवेज क्रेडिट दिलरुबा टू माय डेब्यू बिकॉज़ अली भाई माय डायरेक्टर वाज अमेजिंग ही टॉट मी सो मच क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैमरा किस तरफ देखना है क्या करना है नथिंग बेसिक न्यू so I think Dilruba was very important for me to do because of reasons ki mujhe pata chal gaya yahan kya kya dekhna hai kya karna hai ek iski I think side ye bhi ho sakti hai ki you are actually very talented to jahan jahan aapne audition diya un logon ko kuch nazar aaya aapke andar aur it's not like ki aapko sirf hum tv se offer aayi thi because aap keh rahi hain ARY se bhi aapko offer thi so I'm sure that they saw something in you maybe or yeah maybe खुद बोलना अच्छा नहीं लगता आपने बोल दिया तो अब क्या कर सकते हैं बट फॉर एन एस्पायरिंग एक्टर उस वक्त जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि यार कि ठीक है मैं ये दिलरुबा में इरम का रोल प्ले कर लूंगी एंड सेकंड लीड भी नहीं इट वाज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर एक कैरेक्टर साइन तो आपने कर लिया कि यार अम्मा बस CSS ना करवाना शुरू कर दें जब आपने करना शुरू किया जब आप सेट के ऊपर गई फिर आपको कोई रिग्रेट हुआ कि यार ये रोल मैं कहाँ करीना कपूर श्रीदेवी माधुरी और यहाँ मैं इरम बन के आ गई हूँ नहीं बिकॉज पता नहीं क्यों आई थिंक इट वॉज दैट लव टू एक्ट दैट
never made me feel that I am doing a character less than what Hania was playing. I don't know. I never felt it. Now when I look back, I say like, oh, I did that? But not even for a second did I had any. Halanki, that was very difficult for me to shoot because ek supporting character ka mahine mein 5 se 6 dafa kaam hota hai. Aur aapko aake rehna padta hai, aap akele hote ho, you don't have any friends. To wo bahut mushkil phase hota hai guzarna. But I was so happy doing it. I was so invested in even bringing chai to a scene because I wanted to do this always. तो वो कभी रिग्रेट नहीं हुआ. हालांकि जब मैं दिलरुबा कर रही थी उस दौरान मुझे इतने लीड्स ऑफर हुए थे जो कि मैं नहीं कर पाई बिकॉज उस टाइम मुझे लगता था आप एक ड्रामा एक दफा ही कर सकते हैं एंड यू हैव टू आस्क योर प्रोड्यूसर एवरीथिंग. तो मुझे बाद में पता चला नो. तो आई थिंक देयर वाज नेवर अ रिग्रेट ऑफ डूइंग दिलरुबा. ऑब्वियसली एक लर्निंग फेज था और एक यंग एंड अपकमिंग एक्टर के लिए तो ये पूरा ही एक कोई भी इसमें नुकसान की बात तो नहीं. आप रोज एक नई चीज सीखते. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट क्रेडिट ड्यू टू हम टीवी व्हेन आई ऑडिशन फॉर हम टीवी दे ऑफर्ड मी अ सोप एज अ लीड एंड आई वाज लाइक आई'd रादर प्ले अ स्मॉल पार्ट इन अ प्राइम टाइम ड्रामा विद अ स्टोरी देन डू अ सोप एंड वी स्टिक विद देम फॉर 100 और 200 डेज. So with due respect to them, they did offer me a main lead, not a supporting role. It was me who was like, I don't want to do a main lead in a soap because I just thought ke soap jo jab drama 200-250 episodes ka hota hai usme itna learning nahi hota because they just want to go away with ki bas direct ho jaye bas nikal jaye. Aur agar support role offer kar diya usme bhi koi buri baat nahi hai because you did leave a mark. Would you say so? Aapko laga ki Dilruba ke baad aapka ek because it was Dilruba episode 1 and episode 2 tak mujhe itni lead offers aa gayi thi which we say lead which I don't agree to that term but mujhe kafi offers aa gayi thi. So I will never look down to Dilruba in any way. Iram is very special to me. Dilruba ke baad came Bhadas hum TV se ARY and Bhadas was a big project. Yeah. And you were it the did lead. Well too. It did really well too. Uska OST is extremely popular. I just saw the views. Pata nahi kitne 100 million se zyada views hai, I think. To uska jab wo aaya aapke paas, wo kya decision ka process tha? Wo bahut mazey ki story hai. To sunaye. Main matron wale chawal kha rahi thi, ufala matron. Aur sir Nadeem bhai calls me aur inhi logon ke liye maine ek saal pehle audition diya tha and these people were so nice to me. Sanam, Humayun bhai, sir Nadeem. They were very nice to me and I auditioned for them and after an year of my audition they called me and they had had no clue I have done Dilruba or anything. They had no idea and Dilruba is waqt tak on air ho chuka tha. Dilruba ha they called me in February. Dilruba on air ho gaya hua tha. 8-9 episodes guzar gaye the. They called me and they like we're starting this drama and I was like but there is a lockdown. How am I supposed to be there? And Sanadeem is like, "Acha, ye drama, and I want you to be this about this girl, and it's like we want you to be the main lead in it." And I was like, "Yeah, yeah, sure, sure." Or itni excitement mein maine ye bhi nahi pucha ki director kaun hai, writer kaun hai. Maine kaha Nadeem bhai khud direct kar raha hoga, kar rahe honge. To Sanadeem, khair, uske baad, you know, other people call me, and I was like, "Who's directing?" So they told me the name of who and everything. Khair, ab the point was to go from Lahore to Karachi, knowing that there are no bus services, there is no plane to at all, koi flights band thi, sab kuch thi, peak lockdown. COVID just happened to all of us. Peak lockdown. And I was like, how will I go there? And ek hafte baad shoot thi. So a very dear friend of mine made me travel by road from Lahore to Karachi. Horrible experience. Nobody should go from Lahore to Karachi by road. What are you saying? इतने लोग आते जाते हैं? पता नहीं कैसे आते जाते हैं. मैं वो 24 घंटे मेरी जिंदगी के वो सिर्फ 24 घंटे लगे आपको? हाँ, बिकॉज सब बंद था ना, लॉकडाउन था, बहुत सी जगह बंद थी तो हमें इधर उधर उधर से आना पड़ा. खैर, आई केम, वी हैड अ लुक टेस्ट एवरीथिंग एंड वी स्टार्टेड शूटिंग भड़ास इन पीक लॉकडाउन. अच्छा, कोविड वाज everywhere and like sabko itni kya zarurat padegi thi Six Sigma ko, matlab lockdown. I don't know, they wanted to shoot Bharas in lockdown and I was like acha chale theek hai. Aur khair, I came here, we started shooting Bharas and the rest is also history. And yeah. Bharas ka feedback, of course, Bharas was huge. Jab aap shoot kar rahe hote ho na, aapko
कभी भी अपना ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा होता। आप कह रहे होते हो ये क्या सीन है, ये क्या है यार, तंग आ गई, बस खत्म करो खत्म करो। स्पेशली व्हेन इट्स अ 40-45 एपिसोड, तो आपको होता है बस खत्म करो खत्म करो। लेकिन जब आता है वो और हर एपिसोड आता है, जो फीडबैक भरा उसका मुझे मिला, मुझे आज भी लोग जोया कहते हैं, जो मेरा किरदार का नाम था वहाँ, तो वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। हमें ओएसटी पसंद नहीं आया था, हम सब बैठे हुए थे, आई रिमेंबर उमर मी जुबाब एंड फुरकान, वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर हेयरिंग द ओएसटी, लाइक ये क्या ओएसटी है यार। मैंने कहा मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसे मेरे बाल उठ रहे होंगे पहले मेरे ड्रामे में, हीरोइन में ये वो। खैर हम बड़े डिसअपॉइंट हुए, उसके बाद हम लूप पे सुनना शुरू हो गए वो, और हमें इतना पसंद आ गया वो ओएसटी कि जब हमें फील चाहिए होती थी एक सीन में, हम वो ओएसटी लगवाते थे। आई थिंक वो जशल की आवाज का भी बड़ा जादू है। क्या आवाज है उसकी भाई, अमेजिंग। तो आई थिंक भड़ास वाज ह्यूज फॉर मी बिकॉज इट एक तो गेव मी एन एवेन्यू एज टू परफॉर्म एज अ सपोर्टिंग एक्टर एंड टू परफॉर्म एज समबडी जिसके ऊपर सारी कहानी है, इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि आपकी एक्टिंग डिफरेंट हो जाती है, मुझे लगता है आपका काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एवेन्यू भी था, बहुत ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम इट द फैक्ट कि वो 6-7 महीने चला ड्रामा शूट होना, बट वो बहुत अच्छा लर्निंग एवेन्यू था। वो जो आप बात कर रही थी कि प्राइम टाइम 8 बजे वाला स्लॉट, भड़ास वाज नॉट द 8 बजे वाला स्लॉट, और आई थिंक 3 एपिसोड्स अ वीक, इट वाज 3 एपिसोड्स। तो वो डिसीजन फिर अब तक इतना मैटर नहीं कर रहा था कि यार कि नहीं 8 बजे वाला ही ड्रामा करना है वो। मुझे 8 बजे से ज़्यादा मुझे ये था कि मुझे ड्रामा करना है जिसकी कोई कहानी हो, बेशक लव स्टोरी हो वो, बेशक ज़रूरी नहीं है कि मुझे कुछ सिखाना है वाम को, लेकिन मुझे है उसकी कोई कहानी हो, और यू टेक अवे समथिंग फ्रॉम जोया के किरदार से, यू टेक समथिंग। और जब मैंने जोया का किरदार पढ़ा था, और वो लेदा बात आपने देखा नहीं, सो यू कांट रिलेट मच टू इट, बट जोया मुझे पता सब है उसके बारे में, वो अलग बात है, हमने रिव्यू नहीं किया था। जोया का किरदार से आप बहुत कुछ लेंगे, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ मी इन जोया, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्ले जोया। और दूसरा पार्ट फ्रॉम दैट, भड़ास वाज समथिंग दैट वाज 38 एपिसोड स्क्रिप्टेड, सो इट वॉज नॉट फॉर मी लाइक अ 50-60 एपिसोड, वो तो वहाँ जाके वो टर्न हो जाता है ना एडिट पे जाके। तो मुझे ये था इट्स बेटर देन अ सोप बिकॉज इट्स नॉट अ सोप, सोप इज डिफरेंट देन अ ड्रामा, इट वॉज स्टिल अ ड्रामा, दे कॉल इट अ ड्रामा, 9 PM, 8 PM बोथ दे कॉल अ ड्रामा, सोप इज समथिंग, इट्स अबाउट डे टू डे कहानियाँ हों उसमें, तो इसीलिए मैंने भड़ास किया था। और टू बी ऑनेस्ट उसके अलावा मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं थी। आपकी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था मज़ाकरात पे, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, आपने बोला है कि मैं कैरेक्टर्स वो पिक करना चाहती हूँ जिसमें कोई औरतों का सब्सटेंस हो, जो भी फीमेल कैरेक्टर मैं पिक करूँगी, ऐसा नहीं है कि वो आई कैंडी हो बस और उसका कोई मकसद ना हो प्लॉट का। परदेश जब आपके पास आया, वाज दैट द थॉट बिहाइंड पिकिंग दिस कैरेक्टर? देयर इज आल्सो अ स्टोरी बिहाइंड परदेश। श्योर, टाइम ही टाइम है जी, आप स्टोरीज सुनाए हम सुन रहे हैं। तो परदेश मैं एक और सिग्मा का प्रोजेक्ट साइन करने गई थी, एंड मरीना जी वाज देयर, उसका भी नाम नहीं लेंगे आप जो और साइन करने गए? नहीं नहीं, क्योंकि वो अब शूट हो रहा है और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस उसमें काम कर रही है, तो आई वांट। तो वो आपने फिर क्यों नहीं किया? हां वो क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि अब मैं कुछ और कर रही हूं ना उसकी जगह। अच्छा अच्छा, तो परदेश तब शूट हो रहा था, और द फर्स्ट स्पेल जो आप देख रहे हैं ना परदेश का, जिसमें सरमद और शाइस्ता थी, 60s 70s वाला, वो हो गया हुआ था। अच्छा, वो ऑलरेडी शूट हो चुका था? वो शूट हो गया हुआ। और आप इसकी कास्टिंग ही नहीं हुई थी एमएन की? मैं भड़ास कर रही थी जब परदेश शूट होना शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग। एंड दे वर लाइक सनदीप लाइक व्हाट इज द कैरेक्टर आई वांट टू ऑफर यू, एंड आई वाज लाइक इट्स इन परदेश, सो आई वाज लाइक कोई होगा छोटा मोटा, बिकॉज़ मुझे तो यही पता था कि शाइस्ता इज He's like, it's a very good character. It's obviously mainly JJ, sari kahani batai. And he's like, just go through the one-liner and everything. For me, the fact that Marina Ji was directing it was a big pull. Because Marina Ji is the first friend I have in the industry. Because wo meri amma bani thi Dilruba mein. Aur jitni maine unse baatein ki hai na, aur jitna unhone mujhe kaha hai, aur jitni unhone meri tasveerein directors aur logon ko bheji hai ki this girl, matlab... सो फॉर मी मरीना जी डायरेक्टिंग उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, बट फिर भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और जो दो सीन्स मैंने पढ़ के फ़ौरन मैसेज कर दिया आई एम डूइंग दिस, वॉज द सीन दैट यू आई आप लोगों ने अब देख लिया होगा, वॉज ऑफ मी एंड सरमद। सो सरमद इन इट सेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद हिम। तो वो सीन जब मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि वो
वो बच्ची की क्या एवोल्यूशन है और वो एंड क्या होगा उसका. मैंने वो दो सीन्स पढ़े और मैंने आखिरी चार सीन्स पढ़े एंड आई वाज लाइक आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स गोना हेल्प मी शो अ ट्रॉमा ऑफ अ चाइल्ड. सो ऐसे किरदारों की अक्कासी करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है. हम क्या करते हैं, वी जस्ट शो समबडी, हमें उसकी बैक स्टोरी वगैरह कुछ नहीं पता होती, हम बस दिखाते हैं अच्छा ये हुआ था, हम बातों से बता देते हैं, डायलॉग से बता देते हैं. एमन एक ऐसा किरदार था जिसकी आप लोग सब ने जर्नी देखी है. सो आई न्यू दैट बाय द टाइम दैट आई एंटर द फ्रेम ऑडियंस इज ऑलरेडी गोइंग टू रिलेट टू एमन एंड द स्ट्रगल्स दैट शी वेंट थ्रू. तो आई वॉज एन परदेस वॉज एन इंस्टेंट यस डिस्पाइट द फैक्ट दैट उस टाइम आई हैड गेन्ड सो मच वेट बिकॉज मैं बस खा रही थी और मैंने कहा अभी तो मैं ऑफ सीजन हूँ ना. And I was like, चलो बस कर लेते हैं, it's okay, let's just do it. But the fact कि हमें एमन के बारे में पता था और हम उस किरदार से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ये आपके लिए एज अ परफॉर्मर एडवांटेजेस था या ये प्रेशर ज्यादा आपके ऊपर आ गया था? अच्छा ये दोनों था बिकॉज एज एन एक्टर आई न्यू वट एमन वॉज, हाउ एमन वेंट थ्रू वट शी डिड, वाई शी वेंट थ्रू, सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू परफॉर्म बिकॉज मेरे पास बहुत 10 एपिसोड्स थे पढ़ने को कि एमन क्यों ऐसी है जो अब मैंने परफॉर्म करना है. और एज एन ऑडियंस इट वॉज अ डिसएडवांटेज फॉर मी बिकॉज मे बी आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म व्हाट द लिटिल एमन डिड और मे बी आई विल नॉट हैव दैट इन माय आईज व्हाट शी हैड बिकॉज इट्स एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले विद योर आईज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट थिंग इन योर आईज. If you're just performing, if you're just saying your lines and you don't have it in your eyes, this is what I've seen or this is what I have been taught that it should be in your eyes. So already aapne 10 episodes mein kisi aisi bachchi ko dekha hua tha jisne itna khoobsurat play kiya. Uff, to I was like main wo kaise perform karungi. To wo pressure mere upar bahut tha. But I think pressure mein kabhi kabhi aap achhi cheeze kar lete hain. अगर एमन बड़ी हुई होगी तो वो ऐसी ही बड़ी हुई होगी और वो इसी तरह ही रिएक्ट और एक्ट करती होगी, तो वो बड़ी एक नेचुरल प्रोग्रेशन बनी है उस कैरेक्टर की, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक्स टू मरीना जी बिकॉज शी न्यू वट एमन वॉज. जब मैंने सेट पे पहले दिन गई थी, मैंने सिर्फ 10 एपिसोड्स पढ़ी हुई थी, मैंने कोई सीन देखा नहीं हुआ था लिटिल एमन का, मुझे भी नहीं पता था कौन प्ले कर रहा है. बट मरीना जी न्यू एवरीथिंग, सो शी टोल्ड मी. मरीना जी और मेरी कोई डिस्कशन नहीं हुई इस करेक्टर के बारे में. मैं पहले दिन सेट पे गई और ऑलवेज द प्रोडक्शन एंड द टीम वॉन्ट्स यू टू लुक लाइक अ हीरोइन, दे वॉन्ट लाइक दैट मेकअप एंड दे वॉन्ट लाइक दोज हेयर एंड एवरीथिंग. एंड मरीना जी एंड मी, the best thing about working with Marina ji is like we're always on the same page. We wanted Eamon to be natural, we wanted her to not have any makeup on, we wanted her to be as natural, as human as possible, as simple as possible, as human I feel, because somebody going through a trauma as Eamon did will not wake up every day ironing her hair or you know putting a blush or something like that or putting lenses for that matter, jo ki sabko bada shock hota hai mujhe pehnane ka but main nahi pehnti. So I think this is how, it's always a teamwork that works. Eamon ne Ibad se shaadi ka faisla kyun kiya tha? Achha, so Eamon, I think it's always, jab aap kisi aisi situation mein hote hain na, jitna bhi aap let go karein wo friendships, jo aap normal life mein kar rahe ho, jab aap ek pressure mein ho na, to do something for your family, and आपको पता हो एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा दोस्त है, बिकॉज एमन के लिए तो बात एक दोस्त ही था. एमन एंड बात वो नेवर डेटिंग, और एमन मोहब्बत भी नहीं करती थी बस. एमन हैड नो फीलिंग्स. एमन इज द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिसके लिए मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसको अपने. आई सपोज अब तो होगी मोहब्बत, अब तो मतलब माशाल्लाह. कौन से एपिसोड में है वो माँ बनने वाली? हाँ अब तो जरूरी है, अब हो गई मोहब्बत, ठीक है. तो हाँ, तो उसको अपने बाप से मोहब्बत इजहार करने में इतना वो ब्रेक करने में टाइम लगा, तो इबाद तो समबडी वाज अ फ्रेंड टू हर. तो आई थिंक एमन ने इबाद से शादी का फैसला सिर्फ इसीलिए किया कि उसको लगा कि उससे बेहतर चॉइस कोई नहीं है. और वो जो एक ट्रॉमा एमन के साथ एसोसिएट है जिसकी वजह से मैंने ये कहानी की है, वो ये है कि शी डिडंट वांटेड टू
have a life like Zubeda. Apni maa jaisi zindagi nahi chahti. So jaise she heard that somebody is going abroad who her parents want her to marry, she was like, no, that's a no-no for me. Because wo uski zindagi ka sabse bada trauma hai. Eamon ke liye isse bada koi trauma nahi hai to live a life apart from a husband, a father. So she can never take with that trauma. I think Eamon jaisa kirdaar hai, agar usse kisi se mohabbat bhi hoti na aur usse pata hota ki usne bahar chale jana hai, to wo she would have backed off. Lekin ye baat to ab keh rahe hai maine England jana hai. Ab bhai to ab story ka turn hi yahi hai. Now this is what and why I signed for this. Now this is something that I have high hopes from. This is something that I pulled off, tried to pull off as sheer as I could have. Kyunki ye वो कहानी है जो मैं दिखाना चाहती थी ऑडियंस को. अब जो होगा, अब होगा फ्रॉम दिस एपिसोड, क्या होगा मंडे ऑन बताएगा. क्योंकि अब ये चलेगा ट्यूसडे को ना इंटरव्यू, ये चलेगा ट्यूसडे को, बट मंडे को दो किस्तें आ चुकी होंगी. बट मैं आपको भी क्यों स्पॉइलर करूं, फिर वो आपका वो एकदम से इंस्टेंट रिव्यू आता है ना, वो नहीं आएगा. अच्छा हां, मुझे लग रहा है ठीक है. सो आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स जो आप लोग देखेंगे, अब एपिसोड ऑनवर्ड्स, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ एमन, इट इज व्हाट परदेश इज अबाउट. तो अब वो जो सारा अर्थ है ना ड्रैग हो रहा है थोड़ा, जो कि मुझे भी लग रहा था हो रहा है, बट आई थोड़ा नहीं काफी, मतलब पिछली, बट अभी कितनी और किस्तें रह गई हैं इसकी? आई थिंक कोई 5-6, 6-7. तो हफ्ते में दो बार आता है, तो दैट वुड बी 3 मोर वीक्स देन. 3-4 मोर वीक्स आई थिंक. 4 मोर वीक्स. सो अभी अब आप कह रही हैं कि यहां से टेक ऑफ कर जाएगा वापस. दिस इज परदेश नाउ. दिस इज नाउ द स्टोरी ऑफ, दिस इज द एक्चुअल स्टोरी. दिस इज द एक्चुअल स्टोरी. दिस इज व्हाई जो आपने वो 50 प्लॉट लाइंस इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं बीच में, अब आप कह रही हैं कि अब हम असल मकसद की तरफ जा रहे हैं. जितना टाइम आपने हमारा, राइटर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो आपको इंटरेस्टेड रखे स्टोरी में, ठीक है. तो एज ए राइटर तो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों की अगर कहानी दिखाएं तो उससे आपको बड़ा सब्सटेंस और वो एक वैल्यू मिलती है स्टोरी में. बट आई नो समटाइम्स ऑडियंस वांट टू रिलेट टू जस्ट टू कैरेक्टर्स और जस्ट फोकस टू देम, बट हमारी ऑडियंस ऐसे चैनल बदलती है. तो आई थिंक वो प्रोडक्शन हाउस भी कुछ सोच के कुछ लिख रहा होता है, उनकी भी पूरा एक साइंस चल रही होती है. एज अ व्यूअर आपकी क्या असेसमेंट रही है अब तक परदेश की? आई लव शीमा एंड बेहजाद पार्ट. आई थिंक मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में. मुझे शीमा और बेहजाद के पार्ट, उफ मुझे इतना मजा आता है. मुझे वो प्ले करते हुए बेहजाद के साथ इतना मजा आया, और मुझे लगता है शीमा और बेहजाद का कुछ हो ना हो, शीमा और बेहजाद को जरूर होना चाहिए था. अभी आप देखेंगे, इट्स सो मच फन. उन्होंने आपके किरदार की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीरन करके रखी हुई है. बट आई एम टॉकिंग एज अ व्यूअर, आई एम टॉकिंग समबडी हु रियली प्रेज बोथ ऑफ देम एज एक्टर्स. हु डिड यू हैव द मोस्ट फन विद ऑन सेट? एवरीबॉडी. अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड दैट कोई भी मैं सेट पर जाती हूँ, मेरी इतनी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं और मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और हम इतना मजा करते हैं सेट पे. बट द एंटायर फैमिली, लाइक एक तो सरमद, मी एंड शाइस्ता, वो वाले ग्रुप में वी हैड सो मच फन. वी यूज्ड टू हैव लाइक अंडा पराठा एवरी डे इन द मॉर्निंग, एंड वी हैड अमेजिंग फन. फिर उसके बाद जब मैं दूसरे घर में मूव हुई, जिसमें अतीका जी थी, अफान था और यासिर था, जे थी और बेहजाद थे, तो हमें उसमें भी इतना मज़ा आया, बिकॉज हम इतना मज़ा करते थे. हम सब एक कमरे में बैठते थे, और अतीका जी अलहदा कमरे में होती हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, बट हम सब एक कमरे में होते हैं और हम बहुत मज़ा करते हैं. तो आई थिंक हमें इतना मज़ा आया, और अफान और मुझे कभी कभी होता था, हम रोजे में होते थे और अफान कहते थे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम इतना मज़ा कर रहे होते थे, बिकॉज आपको टाइम पता नहीं चलता. फिर लाइक वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम शूटिंग पर डे. हम अपने रिव्यूज में अक्सर ये कहते हैं कि आपकी और अफान की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है, और हमारे लिए अभी ये पिछली जो किस्तें जो आप भी कह रही हैं कि ड्रैग हो रही थी, दैट वाज सॉर्ट ऑफ द हाईलाइट एंड दैट पुल्ड अस थ्रू, के यार के चलो जो अफान और दुरे की केमिस्ट्री है ये मजे की है, और इनका जो रिलेशनशिप है ऑन स्क्रीन ये कैसे अनफोल्ड होगा, दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ आपकी इंस्टेंट, क्योंकि मैंने जब आप दोनों को इंटरव्यू किया था जब हम सेट पे मिले थे परदेश के, तो अफान ने एक्चुअली ये कहा था कि वो उनको पता भी नहीं था कि आप कौन है जब शुरू करने जा रहे थे, उन्होंने एक्चुअली डिमांड किया था कि आपको चेंज करवा दिया जाए. अच्छा, अब पता नहीं क्या स्टोरीज चेंज करके मुझे बताता है, बट ही गोज लाइक के ही वाज लाइक दैट आई वांट अ बिगर स्टार और समबडी, एंड आई हैड जस्ट डन भड़ास एंड आई एम स्टिल नॉट समबडी दैट एवरी एक्टर वुड वांट टू वर्क विद. बट अफान एट दैट टाइम वॉज लाइक आई वॉन्ट समबडी जो कि अच्छी अदाकारी कर सके, और अफान ने मेरा काम नहीं देखा हुआ था. सो पीपल एट सिक्स सिग्मा
had a very strong belief in me that I can pull Eamon very well. तो वो उन्होंने उसको समझाया था. वो कहता मुझे बस ये इशू था कि I want somebody who can play and do justice to Eamon because Eamon का किरदार बहुत overpowered है हर जगह. तो फिर उसके बाद जो हम पहले दिन सेट पे मिले, दूसरे दिन he was like Dhure, I was so wrong, I'm so sorry, I have to tell you something, and then he told me all of this, and I was like it's okay. It's like it's not something that I was not expecting. तो अफ़ान और मेरी बहुत instant chemistry है. I don't know कैसे हम कभी शूट के बाहर नहीं मिले. हम we don't talk much, but I don't know when we are in a scene, and it's just something जो ऐसे हो जाता है कभी कभी. That's very interesting कि off camera आपकी इतनी मतलब ऐसे मुलाकात. Yeah, if I meet अफ़ान today, it's gonna be like everybody's gonna be like, oh, they have been talking every day, they must be on everything. But अफ़ान और मैं कभी नहीं मिलते off camera या सेट के बाहर. बट स्टिल वी हैव दैट, आई थिंक वी हैव दैट केमिस्ट्री एज यू कॉल. ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग और मजे की बात है. आपने ये तो कह बता दिया कि अब परदेश की असल कहानी शुरू होगी. व्हाट आर व्यूअर्स टू एक्सपेक्ट? थोड़ा सा अब ये रोने धोने वाली तरफ जाएगा या ये परदेश हैप्पी एंडिंग होगी या ट्रेजेडी है? आई डोंट नो अबाउट द एंडिंग एज येट, बट आई थिंक परदेश इन इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज सो सैड. परदेश इज अ ट्रेजेडी इन इटसेल्फ फॉर पीपल हु आर लिविंग इन परदेश. विल इट कंटिन्यू टू बी अ ट्रेजेडी? लेट मी पुट इट दैट वे. व्हाट आई कैन गिव अवे इज दैट इट्स गोइंग टू टीच पीपल how to tackle things when a person is in Pardes. It's going to be a lesson. It's going to be something that is going to be very different to what Zubeda went through. So it's going to be something that is not going to tell people about Pardes, but about emotions more. Ke agar aap Pardes mein hain bhi, to aap kaise us cheez ko guzare? Aap apne aap ko kya kare? So the reason also I signed Pardes was because मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो किरदार करूं कि जो थोड़ा बहुत औरतों को अपग्रेड करें हमारी कहानियों में, उनको आवाज़ दें, उनको अपना एक सब्सटेंस दें, उनको जीने की कोई और वजह दें. यू नो, अ वुमन शुड नॉट जस्ट बी लिविंग फॉर अ मैन, अ वुमन शुड नॉट जस्ट बी लिविंग फॉर, इवन इफ शी इज़ मैरिड टू हिम, शी शुड हैव हर ओन रिप्रेजेंटेशन, शी शुड हैव हर ओन लाइक व्यूज एंड पॉइंट्स. तो इसीलिए मैंने परदेश किया था. तो मेरा ख्याल आपको यही फिर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह. ये जो आपने बात की, हमारी इंडस्ट्री में कितना आसान है इस तरह के किरदार ढूंढना? बहुत मुश्किल, क्योंकि बनते ही नहीं. हम जो ड्रामे देखते हैं उसमें कोई 10 12 15 ड्रामों में एक ड्रामा ऐसा होता है जिसमें शायद एक किरदार 25वीं किस्त के बाद जाके उसको थोड़ी सी कोई आवाज मिले. बिल्कुल, बिकॉज इट्स बीन 1.5 ईयर, आई एम जस्ट गोना बी 2 इयर्स इन द इंडस्ट्री इन अ मंथ और सो. इन 2 सालों में मुझे बहुत से प्रोडक्शन हाउस से ये सुनने को मिला है, दुरे डोंट बी सो चूजी, यू आर जस्ट वेरी न्यू. एंड आर यू चूजी? आई मे बी इट्स नॉट शोइंग अ लॉट ऑन स्क्रीन राइट नाउ, बट आई हैव सेड मोर नोज देन आई हैव सेड यस. सो आई हैव बीन टोल्ड दैट आई एम वेरी चूजी एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट माई करियर बिकॉज इफ आई एम नॉट गोना बी सीन ऑन स्क्रीन, नोबडी इज गोइंग टू कास्ट मी. और जितना मैं ज़्यादा दिखूँगी उतना मुझे काम मिलेगा और समथिंग लाइक दैट. बट आई फील लाइक फॉर मी एज एन एक्टर, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू अ करेक्टर अगर कि आई डोंट फील अबाउट दैट करेक्टर. और मोस्टली जो मुझे स्क्रिप्ट्स आती हैं मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ के. मुझे नहीं लगता अगर मैं ये कहानी सुनाऊँगी इससे कोई फ़र्क पड़ेगा. सो 1.1% भी अगर इम्पैक्ट मेरी परफॉर्मेंस लाएगी सोसाइटी में या कोई मुझसे कुछ सीखेगा, दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू डू अ स्टोरी. एंड इट माइट बी जस्ट लाइक अ सीन, इट माइट बी 2 सीन्स, बट इट हैज़ टू बी समथिंग. आई कांट जस्ट बी क्राइंग ऑन स्क्रीन फॉर नो पर्पस. आई कांट जस्ट बी गेटिंग स्लैप्ड बिकॉज आई एम अ हीरोइन और दैट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ. हालांकि भड़ास में भी एक स्लैप था. भड़ास में एक स्लैप था, बट भड़ास आपको लगा कि मुझे नहीं पता होगा? नहीं, मुझे पता है, आपको पता होगा. भड़ास में एक थप्पड़ था, बट उस थप्पड़ के बाद वो उस घर में नहीं रही थी. शी लेफ्ट एंड दैट मैन केम बैक टू हर, बट शी नेवर वेंट बैक टू हर. तो शी लव्ड हिम एंड शी वाज ही, बहुत उनकी एक केमिस्ट्री थी और बहुत प्यार था उनके बीच में. लेकिन वो वापस आया, उसने मिनते कर छोड़ी, बट वो वापस नहीं गई. तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट, आपको आपके साथ क्या होता है ये आपका
डाउनफॉल नहीं है, आप उसके बाद क्या करते हैं वो आपको बताता है. दैट इज व्हाट शोज यू एज अ ह्यूमन बीइंग. ट्रू. सो द सर्कमस्टेंसेस दैट लाइफ पुल्स एट यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और इट्स नॉट कि वो सर्कमस्टेंसेस भी परफेक्ट हो कहानी में, बट आप उस सर्कमस्टेंसेस के बाद करते क्या है. दैट इज व्हाट आई एम गोना शो माय ऑडियंस, बिकॉज आई कांट शो एन ऑडियंस अ फेरी टेल कि भाई मैं तो एक ऐसी लड़की दिखाऊंगी जो शुरू दिन से जिसको ना हरासमेंट होती है, जिसको ना वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, जो ना बुली होती है, जो ना जिसके कभी थ्रेट नहीं होता. मैं ये सब दिखाना चाहती हूँ बिकॉज ये हमारे माशरे की अक्कासी है, बट मैं दिखाना चाहती हूँ उस सब के बाद वो क्या करती है. सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू सी इन अ स्क्रिप्ट. दोबारा अभी जो आप प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, क्या वो इस तरह की खातून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने कोशिश बहुत की है. मैंने थ्री ड्रामाज ऑन मेन दैट आई हैव डन, वन दैट यू जस्ट गोना सी ऑन हम टीवी व्हिच आई डिड विद भड़ास. आई थिंक यू आर प्लेइंग अ लॉयर इन दैट वन. आई एम प्लेइंग अ सीएसएस ऑफिसर. अच्छा, सीएसएस ऑफिसर. इट्स अ सीएसएस ऑफिसर, और वो मैंने भड़ास के साथ शूट किया था. वो आना भी भड़ास के साथ था, बट वो डिले होकर अब आ रहा है. उसमें भी मुझे था कि कोई सब्सटेंस हो, बिकॉज तब मुझे था अच्छा मैं कर लेती हूँ कुछ कर लेती हूँ. उसमें थोड़ा सब्सटेंस मुझे था, कुछ हो. मैं चाहती थी वो एक रेगुलर स्टोरी हो, एक लव स्टोरी हो, बट मैं चाहती थी उसमें कोई सब्सटेंस हो. उसका प्रोमो इंटरेस्टिंग है, मैंने दो प्रोमोज देखे हैं. सॉरी, नाम मुझे भूल गया. जुदा हुए कुछ इस तरह. तो मुझे पता था कि मुझे एकदम से ऐसे रोल्स नहीं मिलेंगे जैसे मुझे चाहिए. तो मैं I also wanted to play smart and I also wanted to be part of a screen. So, मैंने वो कर लिया. It's not something that is going to like change the society or have a deep impact. But it has something. It has that element that I look into scripts. But अभी जो मैं कर रही हूँ वही मैं, मुझे जो scripts आ रही हैं उसमें से एक ऐसी script है जो कि I am doing to satisfy myself as an actor. बाकी मैं एक शायद ऐसी कर रही हूँ जो कि ऑडियंस को देखना है मुझे, लेकिन उसमें भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक एलिमेंट कोई हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रांग दिखा दो उससे, उसको थोड़ा सा ऐसा मत दिखाओ कि उसके साथ जुल्म हो ही जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रही, उसमें थोड़ी सी आवाज़ डाल दो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बट देन एज अ न्यू एक्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच रोल्स. दैट्स व्हाट आई वाज गोना गेट एट. एज अ न्यू एक्टर ये सजेस्ट भी कर देना कि यार कि ये किरदार यूं नहीं, यूं होना चाहिए, या जैसे लिखा है उसमें अपनी इनपुट दे देना. हाउ इज दैट बीइंग रिसीव्ड? इट्स नॉट वेरी ओवरवेलमिंग टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक यू नीड, दैट्स वेयर यू नीड टू हैव अ गुड कैमराडरी विद द डायरेक्टर. आई हैव बीन लकी दैट आई हैव ऑलवेज फाउंड डायरेक्टर्स हु टेंड टू लिसन टू मी, हु लाइक द पर्सपेक्टिव आई ब्रिंग अबाउट अ कैरेक्टर. आई लाइक थिंकिंग दिस इज हाउ आई थिंक दिस कैरेक्टर विल प्ले, व्हाट डू यू थिंक, एंड देन वी कम ऑन टू अ फाइन लाइन व्हिच वी बोथ थिंक विल बी नाइस. बट then there are directors who have their own perspective and I respect that, and that is where I tend to just think that we can't work together, because as an actor if I am not bringing what I feel it should be then I won't be able to perform that. And I think ye directors ko production house ko samajhna chahiye ki ye puri team ka kaam hota hai aur ek actor bahut badi representation hota hai isme. To uski input bahut important hoti hai. तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद प्रोडक्शन हाउसेस हु लिसन टू मी इवन दो आई एम न्यू, बट दे हैव नेवर मेड मी फील दैट आई एम, बट आई एम स्टिल हम्बल्ड. व्हाट कैन वी नो मोर अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? डिटेल. जुदा हुए कुछ इस तरह वो तो ऑलरेडी टीजर्स आ रहे हैं, हम टीवी पे ऑन एयर होगा. आई थिंक उसका स्लॉट अभी डिफाइन हो चुका है या नहीं? या इट्स 5 डेज अ वीक, इट्स 9 पीएम. 5 डेज अ वीक 9 पीएम. इट्स 5 डेज अ वीक, इट्स 9 पीएम एंड इट्स 26 एपिसोड्स, सो इट्स जस्ट गोना रैप इन. ठीक है, लेकिन अभी ये शुरू तो नहीं हुआ, शुरू होना है. इट्स गोना स्टार्ट फ्रॉम मंडे. मंडे अभी कल से आप जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसकी एक किस्त आ चुकी होगी. और बाकी के दो, बाकी अभी आई एम शूटिंग समथिंग फॉर Z5. अच्छा, इंटरेस्टिंग. ये हमने बड़े अरसे पहले नहीं शूट करना था. ये मैंने करना था बट वो डिले हो गया. अच्छा. तो वो अब हम शूट कर रहे हैं. इज समथिंग द टू प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग फॉर Z5, वन आई एम टेलिंग यू अबाउट एंड वन आई टोटली कांट, बट इट्स द बिगेस्ट प्रोबब्ली थिंग ऑन Z5 राइट नाउ. अच्छा. एंड आई एम, दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई वांटेड टू डू. ओके. एंड Z5 द अदर वन दैट हसीब हसन इज डूइंग वाज समथिंग दैट वाज ऑफर्ड टू मी बिफोर भड़ास. And it's something, it's a negative character, it's a grey character. Achha. I always wanted to
प्ले अ ग्रे करेक्टर. आई थिंक कि हम में से कोई सती सवित्री नहीं होता, 100% पॉजिटिव नहीं होता, तो वो एलिमेंट्स हैं उसमें. एंड हसीब सर इज कास्ट में और कौन कौन है? इट हैज अ ह्यूज कास्ट. हैज ज़ारा नूर अब्बास, इट हैज फुरकान, इट हैज वहाज, इट हैज यास्रा. Nice. So it's a good cast. Interesting. It's a good cast and Haseeb Hassan is directing it, which is. But projects for Z5, unka hume pata nahi chalta ki hume dekhne ko kab milenge. Dekhne ko kab milenge. Yehi baat hai. You don't know when it's gonna come on air. But as an actor, aapko to hum to satisfied ho jaate hain na. So two Z5 projects. Z5 one is gonna be for ARY that you're gonna watch soon. वो आपने शूट करना शुरू कर दिया? We have started shooting that. It's अहमद भट्टी प्रोजेक्ट. अच्छा, इंटरेस्टिंग. अहमद भट्टी इज डायरेक्टर. आखिरी घिसी पिटी मोहब्बत शायद उन्होंने डायरेक्ट किया था. जी जी. So let's इसमें कौन है आपके साथ? इसमें I don't know whether I can say about it. I can just talk about my character right now. अच्छा, अपने कैरेक्टर के बारे में. It's a good character. It's something जो कि मुझे देते हैं लोग, मासूम लड़की, और उसको मैं थोड़ा कर देती हूँ टेरी. But it's a good character. Ahmed Bhatti in itself, I wanted to work with him because मुझे लगता है वो बहुत अच्छा शूट करते हैं और मुझे लगता है वो स्क्रिप्ट के अंदर से बड़े पावरफुल एलिमेंट्स निकालते हैं. तो हमारी भट्टी भाई से एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई है आफ्टर घिसी पिटी मोहब्बत. आई होप सो क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा हक उन्होंने डायरेक्ट किया था. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन एज वेल फॉर अस. या आई एम श्योर. बट नहीं, दिस इज आल्सो अ लव स्टोरी. इट्स अ ट्रेजिक लव स्टोरी. Oh, so there's a lot of tragedy involved in it. Oh, why must there be tragedy, Dure? Why? If there is love, there is tragedy. But that'll be too much of a tragedy, na? Abhi Pardesh mein tragedy, phir abhi. Bhai, toh they want one of the producers. I'm not gonna name. He's gonna be like, Dure, you have that face that looks nice with tragedy. And I'm like, okay. तो भाई ना, अब मुझे यही मिल रहा है. अब अभी इनमें से भी मैंने कोई 20 से एक project choose की है. और बट दिस इज व्हाट अल्टरनेटिव ये है कि घर पे बैठ जाए बंदा, वो भी नहीं हो सकता. अल्टरनेटिव ये है, आप घर पे बैठ जाएं या आप Z5 का कोई प्रोजेक्ट कर लें, या आप दुआ करें कि ये बदले. और वो तब बदलेगा जब हम रिस्क लेंगे ये जानते हुए कि इसकी TRP नहीं आएगी. बट आप अगर प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर TRP नहीं आएगी वो पैसे नहीं कमाएंगे, उनको एड्स नहीं मिलेंगे. ये पूरा एक लिंक है ना. एक एड्स मिलते हैं आपको TRP जब आती है, आपको ब्रांड्स मिलते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप एक और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर आप प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से सोचें तो दे आर मेकिंग द कंटेंट दैट द ऑडियंस वांट्स टू सी. सो अगर ऑडियंस एक ड्रामे को अच्छा कर सकते हैं तभी वैसे ड्रामे बनेंगे. सो इफ यू आर वॉचिंग अ ड्रामा दैट इज शोइंग अ वुमन बीइंग बर्नड और यू आर प्रेजिंग दैट एंड something like that, that is what the producer is going to make because you are praising that drama. So, bada ye audience aur producer ka bada direct relationship hai. True. Producer is just going to make what the audience will like and we are going to perform in what the audience is liking. So, I think, I hope so, we change. Or mujhe pata chala, aapne do filmein bhi sign ki hai. क्या हुआ कहाँ चलते चलो क्या हुआ उनकी ये तो मैंने कहीं नहीं कहा. मैंने कहा है कहीं? आपने की हुई है साइन दो फिल्में? मैंने की हुई है. आपने की हुई है या नहीं, ये सवाल का जवाब आप दें. आप ये छोड़े कि अब कहाँ आपने कहा है कहाँ नहीं कहा. मैंने की है एक, तो उसमें से शायद मैं अब नहीं कर रही क्योंकि मेरे थोड़े क्रिएटिव डिफरेंसेस मेरे इतने होते हैं कि आई लाइक डूइंग फिल्म्स दैट आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कल्चर. सो मैं मुझे जरा कपड़ों का इशू हो जाता है, फिर मुझे दो तीन. आपने कहा कि आइटम नंबर भी नहीं होने चाहिए. आइटम नंबर मैं नहीं चाहती कि आई. नॉट दैट यू आर डूइंग इट, फिल्म में भी नहीं होना चाहिए. फिल्म में भी नहीं होना चाहिए. मेरा कंसर्न मेरे से होता है. मैं नहीं चाहती मैं ऐसा करूं. बट पीपल आर डूइंग इट्स एज टू देम. बट आई जस्ट फील कि एक फिल्म बेचने के लिए आपको एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना ज़रूरी नहीं होता. तो जब ऐसी फिल्में बनेंगी तब मैं ज़रूर करूँगी. I have been offered, my debut was supposed to be from a film that I could not play because मुझे यही था कि उसमें वो आई फिल्म पे मैंने वो नहीं की. मैंने वो फिल्म में वो आ गई और मैंने फिर शुक्र किया मैंने वो नहीं की क्योंकि मुझे यही होता है. ऑब्वियसली कभी आप नाम नहीं बताएंगी. बस आप नाम बताते हैं ना तो एक तो आप बस फंस जाते हैं. नहीं, अब ऑफ कैमरा बहुत सवाल इकट्ठे हो गए ना मेरे पास. बहुत बातें करेंगे. मुझे अभी याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन कौन सी चीजें. ऑफ कैमरा हम बहुत बातें करेंगे लेकिन बात यह है कि फिल्म में मैं जब भी आऊंगी मुझे यह है कि मैं वो करूँ जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ. तो अगर मेरा कम्फर्ट नहीं होगा तो वो फिल्म बेशक कमर्शियल फिल्म हो, हिट फिल्म हो,
And I love to sing and dance. I don't get when people are saying that if you are not doing that, it's because you don't want to do that. I love singing and dancing. I'm a trained Kathak dancer. But You're a trained Kathak dancer? Yes. But I want to represent my society. I don't want 20, 30 years down the lane, somebody playing it and saying it in terms that I wouldn't like. So I think when those films will be made, which I think will be made, तब हम जरूर उसमें काम करेंगे, लेकिन अभी तो ड्रामा हमारा मीडियम है। और जो एक साइन की भी आपने, उसके बारे में कुछ? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ बताया गया आपने इस इंटरव्यू में, आधी से ज्यादा बातें तो आपने बताई नहीं। हम अगला इंटरव्यू ऐसा करेंगे जब ये सब काम आ जाएगा, हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। बट दुरे, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, मुझे ये बताएं कि फॉर अ न्यू एक्टर, इवन दो आपके लिए इट वाज रिलेटिवली मच इजीियर टू ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री और कुछ रिसोर्सेज कनेक्शन के थ्रू आपको ऑडिशंस भी मिल गए, काम भी मिलना शुरू हो गया, बट जब एक्टर्स ये कहते हैं कि यार के मैं अफान पे नहीं पॉइंट मारा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि ये जो है अभी इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना, या जो आप कह रही हैं कि जिस तरह के रोल्स ऑफर होते हैं आपकी मर्जी के नहीं होते, वॉट इज दैट वन फैक्टर दैट कीप्स यू गोइंग कि यार के ठीक है कोई बात नहीं, आई विल स्टे इन द गेम, आई विल कंटिन्यू टू वर्क and I will continue to work hard और मैं passion के साथ काम करूँगी और फिर मैं वो level achieve कर पाऊँगी जो मैंने अपने लिए set किया, वो motivating factor क्या होता है? I think it can just be the love you feel for acting or what you feel for acting or to as an actor, it just being on the camera that pulls you every day. There are some days when we are going through personally a lot, but we still have to romance on screen, smile on screen. So as an actor, बड़ी चीज़ें अंदर से होती हैं, आपको अंदर से इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि वो सब इसीलिए करे बिकॉज दे वांट टू डू इट। सो फॉर मी एवरी डे द पुलिंग फैक्टर इज दैट वन डे आई गेट इट, वन डे दैट वन डे, बिकॉज अगर आप देखे जाएं 2-2.5 साल पहले तो आई वाज जस्ट अ लॉ स्टूडेंट सिटिंग इन एन ऑफिस एंड जस्ट डूइंग शिटी वर्क, तो आई थिंक दो अब आई एम शिटी वर्क, यू कॉलिंग लॉ शिटी वर्क? नो नो, आई एम टॉकिंग द वर्क, लॉयर्स विल बी रियली मैड, नो लॉयर्स, अभी तो मैं मतलब कुछ नहीं कह सकता। मेरे जो बॉस थे ना, वो इतना खुश हुए जब मैं एक्टर बनी, क्योंकि उनको पता था कि मैं इतना मिजरेबल काम वहां कर रही थी, तो आई थिंक आई वाज नॉट हैप्पी डूइंग इट ना, तो आई वाज नॉट परफॉर्मिंग टू द लेवल बेस्ट। ओह माय गॉड, आई होप ही क्रॉप दिस, my boss is gonna be like, oh my god, we paid you so much. Let's put it that way कि shitty work आप इसको कह रही हैं कि वो काम जो आपको पसंद ना, वो काम मुझे पसंद ना और मैं अच्छा उसपे कुछ दे नहीं रही, किसी का केस खराब कर रही हूँ। shitty work as in आप वो deliver नहीं कर पा रही। I love law and I might just pursue it if I don't make it here. Are you still studying? By the way, I saw some Insta story. आप बार-बार पढ़ रही हैं? Yes, I'm planning to do my bar in. तो अब क्यों? अब तो calling आपकी acting है और मिल भी गए, roles भी but, आ रहे हैं। But मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, पता नहीं क्यों। मुझे किताबें, मुझे बहुत प्यार हो गया किताबों से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना। तो I was starting to study for bar because bar के लिए आपको एक exam देना होता है पहले। तो मैं वो कर रही थी because I also wanted to do IP laws because मेरा एक major भी था LLB में and I love IP laws. तो मैं पढ़ना चाहती हूँ आईपी लॉज। पर्सन हु लव्स आईपी लॉज, आई लव आईपी लॉज एंड इज अ ट्रेन्ड कथक डांसर, दैट्स अ कॉम्बिनेशन, फैसिनेटिंग, दैट्स अ इंटरेस्टिंग, बट आई लव आईपी लॉज एंड बिकॉज़ हमारे यहां आईपी लॉज माने नहीं जाते और कुछ होता कुछ करें ना, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत करें प्लीज। नहीं नहीं, क्यों, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो खैर, बट नहीं, वी आर ब्लेस्ड, वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर लीगल इश्यूज को कोई ध्यान नहीं देता, आप सू नहीं कर सकते आराम से, आपकी एक्ट्रेस के पास कोई रॉयल्टीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक दैट। नहीं तो आप जरूर परसू करें, आई होप लॉ को और ये सारी चीजें, क्योंकि कुछ लोग हमारी भी क्लिप्स चोरी करते हैं तो हम फिर आपको रीच आउट करेंगे, हम कहेंगे कि दुरे प्लीज जरा सू करें। आई एम लाइक द अनऑफिशियल लॉयर फॉर समथिंग हॉट। हां बस ठीक है, डन, आज से दिस इज योर डेजिग्नेशन एंड पोजीशन। ग्रेट, थैंक यू सो मच दुरे, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आई होप के लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। जाते जाते कोई मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहें? यस, जस्ट बी काइंड, डोंट थ्रो हेट ऑन इंस्टाग्राम और लाइक, नॉट दैट यू गाइस आर थ्रोइंग हेट ऑन मी, बट इतनी नेगेटिव वाइब है इंस्टाग्राम पे दैट समटाइम्स आई डोंट इवन फील लाइक पोस्टिंग समथिंग, सो जस्ट बी काइंड, एक्टर्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन देयर पर्सनल लाइफ।